अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आयशा के स्कूल में फूड डे है, तो आज हम उसकी तैयारी करेंगे। यहाँ पे मैंने आयशा को उठा दिया था। आज ये माशाल्लाह से खुशी खुशी उठी थी, क्योंकि नींद पूरी हो चुकी थी। रात को मैंने जल्दी सुला दिया था इन्हें, तो इसलिए जल्दी उठ गई थी। यहाँ पर हम फ्रेंच फ्राइज़ बनाएँगे। आज आयशा को लंच के लिए फ्रेंच फ्राइज़ दूँगी मैं, तो आलू जल्दी जल्दी हम उसको कट कर लेंगे। आलू कट करने के बाद हम एक बाउल में मैदा कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। उसको अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर हम फ्रेंच फ्राइज़ ऐड करेंगे। आप इसके अंदर, मैं बच्ची के लिए बना रही थी तो मैंने रेड चिली पाउडर ऐड नहीं किया था, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसको अच्छे से कोट करके आप उसको पैन में डाल दें। अच्छे से सारे फ्राई करने हैं उसको, उसके बाद मिक्स करें इसको। यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ रेडी हो चुके थे तो हमने उसको निकाल लिए थे। साथ में मैं उसको सैंडविच भी बना के दे रही थी। एग बॉयल हो चुका था और ब्रेड के जो साइड वाला पार्ट होता है थोड़ा हार्ड होता है, तो मैंने कहा उसको मैं कट कर देती हूँ। यहाँ पे बॉयल और एग को मैश करना है। बॉयल एग अच्छे से उसको मैश करना है सैंडविच के ऊपर लगाने के लिए। उसके अंदर जो है हम काली मिर्च पाउडर और नमक ऐड करेंगे। ये दोनों चीज़ें मैं मिला के रखती हूँ। मायनीज ऐड करेंगे। मायनीज ऐड करने के बाद उसको हम अच्छे से, बहुत अच्छे से उसको मिक्स करना है। मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने उसको थोड़ा सा और ऐड कर दिया। थोड़ी सी और ऐड करने के बाद हम इसमें जो है वो ब्रेड के ऊपर लगा देंगे अच्छे से, प्रॉपर पूरा सैंडविच के ऊपर लगा देंगे। दूसरे ब्रेड के ऊपर भी वैसे ही सारा मिक्सचर लगा देंगे। फिर उसके बाद उसको बीच में से कट कर देना है। कट करने के बाद लंच बॉक्स में मैंने रख दिया था। आयशा को ये वाले सैंडविच बहुत पसंद हैं, तो इसलिए मैंने सोचा आज इसको ये वाले सैंडविच बना के देती हूँ। साथ में फ्रेंच फ्राइज़ भी रख दी थी मैंने। लंच बॉक्स इसका रेडी हो चुका था। यहाँ पे आयशा का ब्रेकफास्ट डन हो चुका था, उसने पूरा फिनिश कर लिया था। यहाँ पे मैंने उसको रेडी भी कर दिया था आयशा को। फिर उसके बाद जो है वो बैग में उसका लंच रख रही थी। लंच रख दिया था मैंने उसको। उसकी वैन आने वाली थी, वो वेट कर रही थी उसकी। फिर वैन आ चुकी थी, वो मुझे अल्लाह हाफिज़ कर रही थी, वो जाने वाली थी। फिर उसके बाद जो है वो स्कूल से वापस भी आ गई थी। वापस आने के बाद उनका बेचारी का थर्मोस थोड़ा सा साइड से टूट गया था, वो मुझे दिखा रही थी कि टूट गया है। ओके, अल्लाह हाफिज़।